व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वज़ीफ़ा दोस्तों सरकार की आमद की खुशी में मैं आज आप लोगों के लिए कुछ तोहफ़े लेकर हाज़िर हुआ हूँ इन तोहफों को अपन जो है आप लोग कबूल कीजिएगा ये बड़ी ख़ास चीज़ें हैं और ये चीज़ें ख़ासतौर से जो मैं चार चीज़ें यहाँ बताऊँगा ये बिल्कुल इनका कोई हदिया नहीं है बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएंगी अगर आप तरीके से सारी चीज़ें समझ लें तो बारा रबी अब्बुल शरीफ बहुत नज़दीक है इस खुशी में क्योंकि हम लोग कई सारी चीज़ें थोड़ा तो बताऊँ आपको मिसाल के तौर पर ले करके चलूँ हम बारा रबी उबल को ग्यारहवीं की शाम को और बारह रबी उलबल दोनों टाइम में दोनों दिन हमारे यहाँ जो है लंगर का इंतज़ाम रहता है बड़ा अच्छा लंबा प्रोग्राम चलता है तो फिर इस सिलसिले में आज मैं काफ़ी चीज़ों की ख़रीदारी करने गया जिस दुकान पर वहाँ देखा एक शख़्स थे काफ़ी एजड थे और वो तोफ़ा नूरी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे वो बोल रहे हैं तौफ़ा नूरी चाहिए तौफ़ा नूरी मेरे को आवाज़ पड़ गई कानून तौफ़ा नूरी तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मुझे मेरे पीर ने बताया ये मुझे मेरे पीर ने बताया ये और इसके बाकी वो ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाह रहे थे चीज़ों को हाइट कर रहे थे मैं समझ गया तो एक बंदा तोहफा नूरी लेने के लिए कितनी मशक्कतें कर रहा था तो कुछ चीज़ें हैं ज लिए बिल्कुल बिना कॉस्ट में बिल्कुल मुफ्त में है जो आपके घर तक पहुँच जाएंगी चीज़ों को समझिएगा सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये अगर आप लोगों को दिख रही होगी ध्यान से देखिएगा ये क्लियर तरीके से ये इस तरीके की होती है ये बड़ा मुजरब नक्श है और इस पर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आयात लिखी हुई आयतल कुर्सी वगैरह इस पर लिखी हुई होती हैं इसका मैं आपको सीधा सा इसका फ़वाद बता दूँ क्या है ये नक्श आप अपने दरवाज़े घर के मेन दरवाज़ा होता है ये बैंडो होती हैं चौखट होती है कहीं पर भी मेन दरवाजे वगैरह पर मेन गेट पर लगा दें तो इससे होगा ये कि घर के अंदर चोरी होने से बचाव रहेगा दूसरी चीज़ घर के अंदर आग लगने से बचा रहेगा वो घर जिसके दरवाजे पर ये लगा होगा बुरी बलाओं कोई बुरी बला उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी आफतों से महफूज रहेंगे इन और चोरी लकौरी इस तरीके की चीज़ों से भी हिफाजत रहेगी घर के दरवाजे पर आप इस तरीके से किसी टेप की मदद से या किसी ग्लू वगैरह की मदद से इसको आप अच्छे तरीके से वहाँ चिपका देते हैं ठीक है इस तरीके से दरवाजे पर मेन दरवाजे तो ये बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगा इसका कोई हदिया नहीं है ये बड़े कामयाब नक्श है ठीक है तो ये पहली चीज़ हो गई जो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में पहुँचेगी आपको हम लोग दे देंगे बस आप लोग समझिएगा चीज़ों को दूसरी चीज़ ये है इसको नवसद सैदगान भी कहा जाता है कई भाषा में अलग अलग लोग इसका नाम लेते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर ये एक नक्श मुबारक है ये नक्श मुबारक अगर आप लोगों को दिख पा रहा है यहाँ जो मेरे हाथ में इस वक्त ये नक्श मुबारक है आप लोगों को दिख रहा है इसका बड़ा फ़वाद है कि अगर जो भी शख्स इसको गले में पहन ले या किसी पानी में डालकर पानी में डालकर पानी भी पिए और गले में ख़ास तौर से इसको अपने गले में पहन लेना इसको ये गले में गले में ज़्यादातर पहनने के लिए होता है तो किसी भी किस्म की उस शख्स को अगर बीमारी हो जिसम के अंदर किसी भी किस्म की चाहे लाइलाज बीमारी भी क्यों ना हो अगर ये तवीज़ ये नक्श जो है अपने गले में पहन रखा है तो यकीन मानेगा तो ये बड़ा कामयाब है अपनी हिफाजत के लिए बीमारियों से बचाव के लिए तो बड़ा अफजल चीज़ है ठीक है जो लोग बीमार रहते हैं अक्सर अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं पैसा जुड़ नहीं पा रहा है कि डॉक्टरों के पास चला जा रहा सारा पैसा तो फिर वो लोगों के पास ये होना बहुत ज़रूरी है तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी और ये बिल्कुल मुफ्त में है कोई हदिया नहीं है ये आपके घर बिल्कुल मुफ्त में पहुँचाएँगे बनवा करके तैयार करा के देख लें इस तरीके से ये दूसरा नक्श हो गया और इसी तरीके से एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग अक्सर ये सब बोलते रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया या सिफली अमल करा दिया या हमें नज़रें बद हो गई या हमारे जिसम के अंदर हमेशा दर्द ही रहता है चार बातें ध्यान रखें कोई बोल रहा है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा है या हमारे घर में किसी के ऊपर करा रखा है सिफली अमल करा दिया है या नज़रें बद हो गई किसी को या फिर जो है क्या बोलते हैं बदन में हमेशा दर्द रहता है तो करना ये होगा ये आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा कामयाब चीज़ है इसके अंदर जो नक्श लिखे हुए हैं ये आप लोग देखिए काले जादू को जला देने के लिए बड़ा कामयाब चीज़ है इसको करना कुछ नहीं होता है कि जिसको भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी चीज़ें कराई हुई होती हैं उसको आप लेटाइएगा आ, उसको पाक साफ हो तो ज़्यादा बेहतर है उससे कह देंगे नहा धोकर के लेट जाए लेटने के बाद और जो भी शख्स इसको, इसको इस्तेमाल करेगा घर में वो भी नहा धोकर पाक साफ होकर के इसको अपने सीधे हाथ में पकड़ करके उस शख्स के ऊपर से सात मरतबा इस तरीके से पूरा उतारिएगा उतारने के फ़ौरन बाद आप इसको जला दीजिएगा कोई वक्त मुकर्रर्रर्र नहीं है किसी भी वक्त आप जला सकते हैं ग्यारह दिन तक लगातार जो शख्स भी एक एक करके हम लोग ग्यारह बनवा करके देते हैं ग्यारह इस तरीके के नक्श हम लोग तैयार कराते हैं तो 11 जो भी 11 दिन तक वैसे तो दो चार पाँच छः सात दिन में ही ख़त्म हो जाता है जादू वगैरह ये चीज़ें लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत के लिए 11 दिन में मुकम्मल तोड़ करने के लिए 11 एक बंदे के लिए ये चीज़ तैयार करके दी जाती है तो ये बिल्कुल मुफ्त में है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी तीन चीज़ें हो गई एक बड़ा कामयाब चीज़ है ये हजरत के यहाँ का तोहफ़ा भी कहा जाए तो बड़ा कामयाब चीज़ है इसमें अगर साफ साफ यहाँ मैंशन है बरा खैर बरकत और हिफाजत जिनने आसेब बुरी बलएँ अपनी ख़ास तौर से हिफाज़त के लिए और कामयाबी के लिए इसमें तमाम नक्शे लोहे कुरानी और कामयाबी के नक्श लिखे हुए हैं ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है और इस साइड में भी इसी तरीके से नक्शों का संलग्न है इसमें और ये ख़ास तौर से एक पेन है ठीक है इसको आप अपने इस तरीके से जेब में लगा सकते हैं ये बरकती पेन भी कह सकते हैं इसको ये भी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँचेगा तैयार करा के पूरा पूरा का पूरा ये चार चीज़ें अब ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे ये किसके साथ आपको मिलेंगी देखिएगा मैंने शुरू में जिस जिस तरीके से जिक्र किया बड़ा परेशान थे वो शख्स तौफा नूरी लेने के लिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि तौहफा नूरी जो है ये इस तरीके से ये होता है पूरी शक्ल आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से तोहफा नूरी होता है ये ये देख लें आप लोगों को दिख रहा है इसकी बड़ी फजीलतें हैं इसकी पूरी फजीलतें अगर हम यहाँ बयान करें दो में एक मिनट का वक्त ज़रा ध्यान से सुन लीजिए तोहफा नूरी जो है दो प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको पानी में डालकर ध्यान समझ लें इसको पानी में डालकर पीने से जिसम के अंदर की तमाम बीमारियां दूर होती हैं और इसको अपने पर्स में आ, पर्स में रखकर इसको आप पाक साफ होकर अपने हाथों से अपने पर्स में रख लें पर्स में आ, हमेशा रखा रहने दें जब भी घर घर से बाहर निकले इसको अपने साथ हमेशा रखें इससे हर काम में कामयाबी दुश्मनों से हिफाजत जादू टोना बंदिश और ये इन तमाम चीज़ों से छुटकारा कालेमल कार्ड बुरी आदतों से भी छुटकारा है रोज़गार में भी तरक्की है मुकदमेबाजी में भी कामयाबी हासिल होती है और इससे कई सारी बीमारियों से भी बचाव रहता है ये एक गिलास में पानी में डालकर ये पूरा तरीका इसका इस्तेमाल करने का यहाँ है इस चीज़ के साथ ये तौफ़ा नूरी के साथ ये ध्यान समझ लीजिए ये तौफ़ा नूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देख लें आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर देख लें तोहफ़ा नूरी के साथ चारों की चारों चीज़ें इस तौहफ़ा नूरी के साथ वो चारों चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई बिल्कुल मुफ्त हैं ये चारों चीज़ें इस तौफ़ा नूरी के साथ जो भी मुनासिब हदिया होगा इस तौहा नूरी को बनवाने में तैयार कराने में ख़ास तौर से आपके लिए आपके नाम से दुआ वगैरह करके ये तैयार कराने में जो भी मुनासिब हदिया होगा वौफ़ा नूरी का होगा आपके घर वगैरह भेजने में काफ़ी टीम वगैरह लगती है पैकिंग करने के लोग अलग होते हैं और इसमें कॉलिंग के लोग अलग आपके ऑर्डर बुकिंग होती है कोरियर वाले सर्विस अगर वगैरह वगैरह जो चार्जेस होते हैं उनको तमाम ऐड करने के बाद जो भी चार्जेस इसको भेजने के होंगे सिर्फ़ इसके होंगे बाकी इसके साथ में चार चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होंगी ठीक है ये बारह रबी अलवल की खुशी है मुबारक महीना है मुबारक वक्त है इस खुशी में चार चीज़ें बिना किसी हदिये के इसके साथ में हम भेज रहे हैं तो इसका जो भी हदिया होगा वो आपको इसका चार्ज किया जाएगा जो भी इसका मुनासिब हधिया होगा ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा कोई हदिया वगैरह होगा तो अब इसको लेने का तरीका क्या है इसके साथ ये चार चीज़ें मुफ्त में किस तरीके से मिलेंगी आपकी स्क्रीन पर यह मैं जो नंबर दिखा रहा हूँ ये देख लें ये नंबर सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लें याद रखिएगा इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर है पहले से यहाँ पर जाने के बाद आपने ये नंबर को सिर्फ व्हाट्सअप के ज़रिए कांटेक्ट करना है याद रखिएगा व्हाट्सअप के जरिए कांटेक्ट करें और दिन में ही कांटेक्ट करें क्योंकि टीम के जितने भी बंदे होते हैं कुछ जेंट्स हैं कुछ लेडीज़ वगैरह जो भी काम वगैरह करती हैं ऑर्डर वगैरह बुकिंग जो लोग करते हैं तो वो दिन में ही अवेलेबल रहते हैं सुबह दस बजे से शाम छः बजे तक ये चाहे इंडिया में मंगाएं आउट ऑफ इंडिया मंगाएं कहीं मंगाएं देश विदेश कहीं भी मंगाना चाहे एक हफ़्ते के अंदर ये तैयार होकर आपके घर इन शबारक ताली पहुँच जाएगी करना ये होगा व्हाट्सअप में जा करके आप सबसे पहले आप वहाँ पर सलाम करिएगा और सलाम करने के बाद अपना नाम लिखिएगा अपना पूरा पता एड्रेस पिन कोड के साथ अपना शहर का नाम अपना गली मोहल्ला वार्ड नंबर जहाँ पर भी ये चीज़ मंगवाना है वहाँ का पूरा एड्रेस भेज दें और बोल दीजिए कि मुझे तोहफ़ा नूरी चाहिए और उसके साथ जो चार चीज़ें बिना किसी हदिए के फ्री में मिल रही वो भी चाहिए ठीक है ये बोल दें मुझे तोफ़ा नूरी बनवाना है और उसके साथ जो चार चीज़ें मिल रही हैं वो भी मुझे चाहिए है ये आप बोल वहाँ पर बोल देंगे आपके लिए हमारी टीम जो है तैयार करा देगी जैसा भी जो भी प्रोसेस होगी आपको सारी बात वहाँ पर बता दी जाएगी इस नंबर पर तो सेव कर लीजिए इस नंबर को अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसको जरूर मंगाइएगा और ये बड़ा कामयाब चीज़ है ठीक है याद रखिएगा ये बड़ा कामयाब चीज़ है इसको ज़रूर मंगाइएगा हर शख्स के पास ये घर में फैमिली आप इसको किसी तोहफे के तौर पर भी किसी को दे सकते हैं किसी दोस्त को किसी भी किसी के किसी को भी दे सकते हैं तोहफे के तौर पर बड़ा कामयाब चीज़ है तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी नंबर को सेव कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने सुनने और समझने